Thank you, sir. अन्ना यहाँ पे यहाँ पे इकड़े 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 अन्ना इधर समो अन्ना तूने तेरे क्या ना मैंने बस बस रोल लोग सर यहाँ पे सेकंड गेम थैंक यू सर सर यहाँ पे राइट साइड ला आता मैम संगीत है मैम संगीत कर रहे ओ हो ओ हो इधर सर इधर सीधा सर ओ हो चल कोई नहीं तू यहाँ पे ले ले आ जा कौन आ गया और ज्यादा कोई तुम नहीं तेरे इधर चलिए भाई यार लोग लोग सर हेलो सर सब न सर यहाँ पे लास्ट ऑर्डर वाइट लेना है सुनो सर सुनो सर सिंगल 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 कंटा ले लेते हैं दो मिनट दो मिनट रोल 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 दो मिनट दो मिनट रोल रोल रेडी वेट 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 या गो 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 हेलो लोग गो मुंह पर रोल हां भाई बोली रोल सो सोनू सर क्या कहना चाहेंगे किस तरह का मैच होने वाला है और आप क्या पसंद ज्यादा करते हैं फील्डिंग और बैटिंग वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड आज मैं जो बड़े समय से यू नो मुंबई हीरोज की पूरी टीम इंतज़ार कर रही है इस मैच का और मज़ा आएगा आई थिंक कुछ नए दोस्त बनेंगे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी बट या वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड बॉलिंग मुझे बहुत मज़ेदार लगती है करने के लिए बट आज बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट लाइक व्हाट यू लाइक टू प्ले ऑफ कोर्स क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट नाउ आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले क्रिकेट इवन फॉर माय कंट्री बट नाउ एज एक्टर्स वी गेट टू सी आवर ड्रीम्स कम ट्रू या या होता था बट आई थिंक आजकल की जनरेशन को मॉम्स पुश करती हैं कि जाओ जाके क्रिकेट खेलो यू नो यू गेट टू प्ले बट आई थिंक या स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवनस लाइफ सो डू यू लाइक टू शेयर सम योर अपकमिंग प्रोजेक्ट व्हिच यू आर डूइंग और इज गोइंग टू कम सून Yeah, right now I've just completed Paltan with JP Dutta. Then there's a film with Kangana, Manikarnika. And I'm going to start Rohit Shetty's next also soon. So yeah, things are looking good. Thank you. Thank okay. you. Thank you.
क्या बात Heroes saved the team. It's going to be a fantastic match, and I'm sure as the match gets started, this whole ground will be full of IRS team versus the Mumbai Heroes team, which is a celebrity cricket league team led by हम लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं है, अब इनकम टैक्स के सामने प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन हम उनके खिलाफ काफ़ी बार खेल चुके हैं, हर साल में एक ना एक बार हम लोग खेलते हैं उनके उनके खिलाफ, और मज़ा आता है क्योंकि उनको हराने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता, बोलते हैं हम लोग बाद में आपको देख लेंगे, लेकिन नो इट्स गुड फन, इट्स अच्छे स्पिरिट में खेला जाता है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ खेला जाता है, और एक अच्छा ग्राउंड है, अच्छा माहौल है, और यही चाहते हैं कि अच्छा गेम हो, लोगों का मनोरंजन हो और सब इंजॉय करें गेम। मतलब कहते हैं कि टीम स्पिरिट होती है तब टीम जीतती है, आपकी हम बैटिंग देखें कि अभी तो अच्छी टाइमिंग हो रही है बैट के साथ, ये सब प्रैक्टिस में होता है, ये कभी कभी मैच में होता नहीं अच्छा टाइमिंग, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छा खेलें और एक एक यूनाइटेड टीम की तरह हम लोग खेले और मजा आए, दैट्स व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एंजॉय सर। ये सब लोग ने ज़्यादा खेला नहीं है तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि तू बनाएगा रन या तू बनाएगा रन, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि हम लोग खेले अच्छा गेम हो, ऑफकोर्स हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अच्छे स्पिरिट में खेलना हम ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, और अभी देखते हैं डे नाइट मैच में होता क्या है। कितने दिनों बाद बल्ला पड़ा, कैसा लगता है? काफ़ी दिनों के बाद पकड़ा हुआ है तो थोड़ा सा नर्वस भी है हम लोग, लेकिन डेफिनेटली वी गोना ट्राई एंड हैव फन, दैट्स व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर आल्सो यू हैव फीचर्ड इन मस्ती ग्रैंड मस्ती फ्रेंचाइज, डू यू थिंक दैट सीक्वल्स आर you know they can attract audience and they are a good way to you know bankable, they're more bankable? Yeah, I think franchises are a good idea because
there's a certain relatability to the audience. Audiences have liked the franchise. They can relate to it. There's something that's worked. So I think what happens is that once it works, you know, producers feel that it's a bankable thing. It's something that's relatable. At the same time, it's something that people will enjoy. So it's kind of venturing into familiar territory, even for an audience, where they feel, okay, I'm going to enjoy it. I've seen it, I've enjoyed it in the past. But of course, there will be comparisons to the previous part in the franchise, previous installment. So I think, yeah, franchise is a great idea. Thank you so much. Looks like this team will be led by Mr. Sunil. Thank you. Thanks. This is truly a noted Bollywood actor. What kind of bites you need from me? तैयारियाँ तो हमेशा तैयारी रहते हैं, हमेशा मैच खेलने के लिए, चाहे वो शूटिंग हो चाहे मैचेस हो, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑब्वियसली हम तैयार रहते हैं हमेशा खेलने के लिए. करेक्ट. मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ ना, दे ऑल स्टे हियर, आई स्टे इन सबर्ब, सो यू नो बॉम्बे ट्रैफिक हाउ इट इज, सो मुंबई ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया. किस तरह का मैच होने वाला है? इंटरेस्टिंग होगा ऑब्वियसली. हम नॉर्मली हम जब सोचते हैं कि हम किसी डिपार्टमेंट के साथ एक चैरिटी के खेल रहे हैं तो बड़ा आसानी से लेते हैं मैच, बट होता नहीं है ऐसा. एंड वी आर नॉट प्रोफेशनल, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव कॉम्पिटिशन. बट व्हाट यू रियली लाइक, लाइक बैटिंग और बॉलिंग? आई एम ऑलराउंडर. यस. सो is playing for the cause? It's just friendly match, obviously, yeah, with the department, and it's always a pleasure to interact with other people also, yeah, not with the industry. We among ourselves we interact a lot, but these kind of matches now bring us together. I think we're close to the other departments also, so real happy to play for. Sharad, you were appreciated for your dubbing for Bahubali, how has your life changed after that? Nothing, I'm the same, man. Life doesn't change. Yeah, obviously now a lot of people know me apart from my acting, but now they know me by my voice also. So really happy for that. Any other project coming up? Yeah, my film which I produced. I'm very proud to announce that it got selected for Cannes Film Festival. So that's a moment right now in my life. Planning to release it? Yeah, obviously it will be releasing in next 3-4 months. Yeah, this year, yeah, I'll be debuting in Cannes. No, nothing. After this big one, I can't imagine also. Thank you.
team are indeed very enthu cricketers, keen cricketers. जिसमें से कई लोग काफी लीग्स में जीता है बल्लेबाजी करने का अहम फैसला लिया बिकॉज इट्स फेस्टिवल मैच इट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टूड दैट मिस्टर सुनील शेट्टी हैविंग वन द टॉस इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट अफताब शिवदसानी जय महानुशाली रितेश देशमुख सोहेल खान अपूर्व लाखिया कबीर सदानंद रोहित रॉय नवदीप तोमर इंद्रनील सेन गुप्ता You are the captain of the team. How excited you are? I mean, I'm always excited to play cricket. I best foot forward and play some fantastic. Exciting. It's always exciting because it's fun to come to the to the ground and play cricket. And today we are playing the IRS people who've been serving us for a long time in month of April, March especially. Worked very hard, so I think it's a de-stressor for them, and a rotating trophy that we play now, and henceforth have decided that we're going to make it larger and make sure that we support somebody from a charity perspective. पहले बैटिंग कर रहे हैं रितेश जी तो क्या है किस तरह का डिसीजन है? आई थिंक टॉस जीत के बीस ओवर की गेम है, विकेट ज़्यादा बदलाव तो होगा नहीं, रेगुलर खेलते ही हैं इस विकेट पर, तो बैटिंग अगर करे और एक बड़ी स्कोर करे तो हमेशा प्रेशर होता है, तो वही फ़ायदा उठा के हम कोशिश कर रहे हैं खेले। आई थिंक वी गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, देयर इज अफताब, देयर इज रितेश, देयर इज जय, देयर इज अपू, देयर इज शबीर, लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स या कुछ टिप्पणी खेलो मजा करो। आई थिंक वी प्ले टू हैव फन। क्रिकेट अगर सीरियस हो तो वो नेशनल लेवल की क्रिकेट होती है, हमारी क्रिकेट जितनी सीरियस हो सकती है। हम खेलते हैं जनरली चैरिटी के लिए, किसी की मदद करने के लिए। अगर CCL खेलते हैं तो बच्चों के हार्ट सर्जरीज के लिए खेलते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग के लिए करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ इनिशिएटिव दैट इज़ अ चैरिटी इनिशिएटिव। किसी को भी अगर फंड रेजिंग करना तो आप देखोगे कि लड़के आगे आते हैं खेलने के लिए, विच इज़ फैंटास्टिक। ऑफकोर्स अच्छा ही है, और साजिद भाई की फिल्म है तो आप बागी तो देख ही रहे हो कि धमाल मचा के रखा हुआ है, तो आई थिंक विश देम द वेरी बेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ ब्रीफ साजिद भाई इज गिविंग? आई एम नॉट इन द फिल्म, सो नो आई एम नॉट इन द फिल्म, सो आई डोंट नो। थैंक यू। This time into the stumps, and nicely tucked over towards the finish point to Jay for the first run from the board of the lead off Jay. 20 overs aside, and we won the toss and elected to bat first. Yes, we've got a very noted filmmaker, one of the finest filmmakers in Bollywood, Mr. Apurva Lakhia. शॉट को बैकफुट पर जाकर कट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में, स्विंग अवे ऑफ द मार्क रितेश।
Yes, he's indeed a very good cricketer. और काफी प्रैक्टिस भी करते हैं ये सभी क्रिकेटर्स ना के क्रिकेट में सुन और इस वक्त सभी की गेंदबाजी करते हुए वह विकेट को विकेट गेंदबाजी करते हुए किसी भी तरह से कोई रुक नहीं दे रहा इस वक्त Leading edge, Patasan was easy, Peter all ends up, lock, stock and barrel. Bhagyashali Ray came out there, Ganipar to field a new car. This is the first time that he had a very defensive field initially. One of the fielder catching position. But he's really struck a good line and length straight away. Wage. This is a good start here by Prasad. He's sticking to his basics, he's not bowling too fast. एक रन के साथ रन संख्या बढ़कर अब 6 रनों पर 20 ओवर्स का ये मैच आप सभी का फिर से एक बार ग्रीटन आईटी कप में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ ये मैच मुंबई हीरोज जो कि मैं काफी धूम मचाई है मुंबई हीरोज की टीम ने और उनके सामने इंडियन रेवेन्यू सर्विस की टीम यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सब क्लास वन